नदी के अंदर जो हिस्सा है वो कोई बेच सकता है। अजीबोगरीब तस्वीरें मुझे देखने को मिल रही हैं, एक वीडियो मुझे दिखी जिसमें बताया जा रहा है कि फार्म हाउस बनाने के लिए वो जमीन बहुत अच्छी है, उसे खरीदा जा सकता है। कैसे खरीदा जा सकता है? रिस्पना के अंदर जो रिवर बेड है उसे कौन बेच रहा है? ये कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो सरकारी लोगों के, पॉलिटिकल लोगों की मिली भगत के बिना नहीं कर सकता। ये आपदा को निमंत्रण तो है ही, मगर ये हमारे संसाधनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत खतरनाक खिलवाड़ है। सरकार से डिमांड कर रही हूँ कि इसमें तुरंत कार्रवाई करी जाए और रोका जाए। जिसने भी वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हो या कोई भी वहां पे जमीन को बेच रहा हो तो सरकार बताए कि नदी की जमीन किसी की पर्सनल जमीन कैसे हो गई, कब हो गई। हम उत्तराखंड में अब तक 50,000 हेक्टेयर वन भूमि खो चुके हैं, अब कितना खोएंगे? हम एक तरफ ग्रीन बोनस की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। जो भी सरकारें आए वो ये ना भूले कि ये राज्य बना था हमारे पहाड़ी राज्य होने की वजह से, आर्थिकी की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम एक पहाड़ी राज्य हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं। और अगर आप हमारे पहाड़ी राज्य का स्वरूप बदलेंगे तो आपको क्षमा नहीं करेंगे। और ये मत सोचिए कि आप बचे रहेंगे किसी भी पार्टी के, क्यों ना हो आप, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आज हों, जो सबसे ज्यादा नष्ट कर रहे हैं हमारे पहाड़ों को, हमारे पर्यावरण को, हमारी वन भूमि को। आपको सजा मिलकर रहेगी, याद रखिएगा। समय बदलते देर नहीं लगता। जिस जिसने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है, जिस जिसने सरकारी जमीन का अधिग्रहण स्वयं के तौर पे कर लिया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। वो सब जिन्होंने अपने कॉलेज बनाए हैं, खास करके आयुर्वेद कॉलेज, जिन्होंने गड्ढों में बनाए हैं, रिजेस में बनाए हैं, वो रहे सावधान। जिस दिन मौका मिलेगा आपको सजा जरूर दिलवाएंगे।